जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है वैकुंठ एकादशी यानी कि 2 जनवरी को, और इसका पारण समय रहेगा 3 जनवरी को 7:14 पर सुबह 9:18 तक। तो आप इस समय में इसका पारण कर लीजिएगा। आइए अब हम सुनते हैं वैकुंठ एकादशी की कथा। एक बार वैखानस नाम के एक महान राजा ने चंपक नगर राज्य पर शासन किया था। वह एक पवित्र और महान राजा थे जिन्होंने धर्म के अनुसार राज्य पर शासन किया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को अपने बच्चों की तरह देखा। उसके राज्य की सारी प्रजा सुखी थी। राजा वैखानस ने और कुछ नहीं मांगा। एक बार वैखानस ने एक स्वप्न देखा जिसमें उसने देखा कि उसके पिता को नरक में बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा है। राजा के पिता मदद के लिए चिल्ला रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। वह वैखानस ने देख रहा था कि दंड और नरक से छुटकारा पाने के लिए उसकी मदद प्राप्त करना चाह रहे थे। अगले दिन राजा वैखानस ने देश में ब्राह्मणों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। उसने उनसे यह सलाह देने के लिए भी कहा कि क्या यह सच है, और यदि ऐसा है तो उसके पिता की मदद करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि उसे नरक से निकाला जा सके। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि पृथ्वी पर केवल एक ही व्यक्ति है जो कि स्वप्न की स्पष्ट व्याख्या कर सकता है, और वह है पर्वत मुनि जो शहर के पास के पहाड़ों में रहते हैं। ब्राह्मणों ने राजा को पर्वत मुनि के पास जाने और उनका मार्गदर्शन लेने की सलाह दी। राजा वैखानस तुरंत पहाड़ों के लिए रवाना हुए। उन्होंने ऋषि पर्वत से मुलाकात की और उनसे प्रार्थना की। कृपया अपनी प्रार्थना के साथ ऋषि पर्वत ने पूछा कि किस कारण से वैखानस ने उनसे मिलने आए हैं। राजा ने पूरे सपने को समझाया और ऋषि पर्वत से उन्हें निर्देशित करने के लिए कहा। ऋषि पर्वत ने अपनी आंखें बंद कर ली और देखा कि किस कारण से राजा वैखानस के पिता को नरक में कठोर दंड दिया जा रहा है। उसने राजा को समझाया कि उसके पिता ने एक बार एक महिला के साथ यौन संबंध बनाए थे जो कि मासिक धर्म की अवधि में थी। राजा के पिता ने महिला की विनती पर ध्यान नहीं दिया और उसका जबरन इस्तेमाल किया। यही कारण था कि राजा के पिता को नरक में इतनी कड़ी सजा दी गई थी। राजा वैखानस ने ऋषि पर्वत से प्रार्थना की और उन्हें एक उपाय प्रदान करने के लिए कहा ताकि वो अपने पिता की पीड़ा से छुटकारा पा सके। ऋषि पर्वत ने राजा को सलाह दी कि वो मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि वैकुंठ एकादशी, जिसको मुकोटी एकादशी या मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है, का पालन करें, और इसका व्रत करने के बाद उसका पुण्य जो आपको प्राप्त होगा वो अपने पिताजी को स्थानांतरित कर दें, जिससे पिताजी को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि पर्वत ने राजा को वैकुंठ एकादशी व्रत का पालन करने की प्रक्रिया भी बताई। राजा वैखानस ने वैकुंठ एकादशी व्रत का पालन किया और इस प्रकार प्राप्त पुण्य को अपने पिताजी को स्थानांतरित कर दिया, और उस पुण्य को पा करके उनके पिताजी विष्णुलोक यानी कि वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार से ये वैकुंठ एकादशी की कथा है, और आपको भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन अक्षय फल मिलता है और सभी भक्तों को एकादशी करने वालों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे राधे।